हाय एवरीवन, तो कहते हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग सभी मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टीवीएस राइडर के फुल्ली बॉडी पे लेमिनेशन, और ये लेमिनेशन आपके बाइक के लिए कितना सेफ और सुरक्षित है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहें। इस बाइक के टैंक पे और नीचे वाले फ्रंट मुडिकार्ड पे और ऊपर के वाइजर के साइड वाला जो देख सकते हैं उस पर हम लोग लेमिनेशन करने वाले। अच्छा, वैसे तो हम लोग नॉमिनेशन अपने मोबाइल के बैक साइड पे भी लगाते हैं, आप लोग को पता ही होगा, मगर हम लोग जो बैक साइड पे नॉमिनेशन इंस्टॉल करवाते हैं वो नॉर्मल क्वालिटी का नॉमिनेशन होते हैं, मगर जो इस बाइक में हम लोग नॉमिनेशन इंस्टॉल करने वाले हैं वो 3 लेयर के PPF लेमिनेशन है, और ये आपके बाइक के लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के नॉमिनेशन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको पूरी तरह से नॉमिनेशन कम्प्लीट होने के बाद इसका लुक आप लोग को दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस, वन साइड का आप लोग देख पा रहे हैं कि नॉमिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो पहले हम लोग इसको कटिंग कर लेते हैं जो फालतू पार्ट है, और उसके बाद इस पे का जो ऊपर लेयर देख सकते हैं इसको हम लोग रिमूव करेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर लुक आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नॉमिनेशन आप अपने न्यू कोई सा भी बाइक पे लगा सकते हैं, चाहे वो स्प्लेंडर हो या मतलब राइडर हो, R15 हो, पल्सर हो, कोई सा भी बाइक हो, आप उस पर नॉमिनेशन लगवा सकते हैं। नॉमिनेशन लगवाने के ये फायदे हैं कि आप कभी उसको फ्यूचर में बेचना चाह रहे हैं तो जब उसको रिमूव करवाइएगा तो आपका पेंट न्यू का न्यू ही रहेगा। तो अगर आप भी अपने बाइक में नॉमिनेशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो देर ना करें स्क्रेचेस होने का, आप लोग जल्दी अपने बाइक पर नॉमिनेशन इंस्टॉल करवा लें और अपने बाइक को स्क्रेच से बचा लें। नॉमिनेशन आप अपने बाइक पे 6 महीने से लेकर 1 ईयर तक रख सकते हैं, उसके बाद आप अपने बाइक से नॉमिनेशन रिमूव करवा दें, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा दिनों उस पर नॉमिनेशन रखने से आपकी ये बाइक पे पकड़ बना लेता है और बाद में इसको रिमूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो आप लोग इसको 6 महीने से साल भर तक यूज कीजिए और उसके बाद आपको इसको रिमूव करवा के फिर से न्यू नॉमिनेशन इंस्टॉल करवा सकते हैं। वन साइड का नॉमिनेशन पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, देख पा रहे हैं गाइस। अब इसका जो लोगो का फालतू पार्ट उसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद इसको पूरी तरह से नॉमिनेशन कंप्लीट होने के बाद इसका लुक प्रॉपर लुक आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। इस बाइक का नॉमिनेशन का प्राइस जानने के लिए आप लोग नीचे कमेंट करें अगर आप लोग को इसका प्राइस जाना है, और आपके मन में अगर कोई सा भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इस बाइक में नॉमिनेशन पीछे साइड में नहीं लगता है, बस आगे का फ्रंट मोडीगार्ड, ऊपर के हेडलाइट के वाइजर के साइड में लगता है नॉमिनेशन, और टैंक पे और ये दोनों कान है इस पे नॉमिनेशन इंस्टॉल होते हैं, बाकी पीछे में इसका नॉमिनेशन इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, ये पूरी तरह से देख पा रहे हैं फ्रेंड, नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ऊपर का लेयर इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं गाइस इस पे ओरिजिनल लुक आप लोग को आ रहा है, इस पे आपको पता भी नहीं चलोगे इस पे हम लोगों ने नॉमिनेशन इंस्टॉल किया है। साइड वाले कान का भी इस पे जो ऊपर का लेयर उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और इसको रिमूव करने के बाद फ्रंट का भी आप लोग देख पा रहे हैं मोडीगार्ड कंप्लीट हो चुका है, उसका भी ऊपर का लेयर जो है उसको हम लोग रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद प्रॉपर लुक आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, देख सकते हैं गाइस इस पर आपको थोड़ा सा भी नहीं पता चल रहा है इस पर हम लोगों ने नॉमिनेशन इंस्टॉल किया है। नॉमिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है गाइस, देख सकते हैं आप लोग इसका फिनिशिंग। उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।